गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तब नानक जी बोले, अभी ठीक है, आप तो बहुत ही अच्छे महापुरुष हो, पहुंचे हुए हो, अब मैं आपकी सारी वार्ता सुनूंगा। सूरी सृष्टि रचना सुनाई, सृष्टि रचना सुनकर कहने लगे, आंखें देखूं जो विश्वास हो महात्मा तेरी बात का। परमात्मा बोले, चल तेरे को सचखंड दिखाता हूं। उनके शरीर को ऐसे स्थान पर सुरक्षित रख दिया कि कोई पक्षी वक्षी या कुछ जंगली जानवर ना खराब करे, और आत्मा को निकाल कर परमात्मा ऊपर के सब सचखंड वगैरह दिखाए, यहाँ के लोग दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थान दिखाए, जैसे गरीबदास जी को दिखाए, जैसे दादू साहिब को दिखाए, जैसे मुलुकदास जी को दिखाए, और जैसे घीसा साहिब जी को दिखाए। तो जब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आगे आगे चल रहे हैं, नीचे से नानक जी जा रहे हैं, यानी उनका सूक्ष्म शरीर, जब सचखंड में पहुंचे सतलोक में, एक समेत सवेत सफेद बहुत बड़ा गुम्बज है मंदिर नुमा, और उसके बीच में परमात्मा का तख्त है, उस पे तेजो में शरीर युक्त सत्य पुरुष विराजमान है, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा तो भी रोशनी सत्य पुरुष के रोमकूप की अधिक है। वो बैठे हैं, विराजमान हैं, और नीचे से जो जिंदा महात्मा उसके साथ गए थे, जिंदा गया था साथ में कबीर नानक जी के, तो महात्मा जिंदा जी के रूप में जो गए थे, उन्होंने एक चंवर उठाया जो वहां रखा था भगवान के ऊपर, जो तख्त पर बैठे थे उसके ऊपर ऐसे आदर से चंवर करने लगे। अब नानक जी ने सोचा कि रब तो ये है वो सतपुरुख जड़ा तख्त पे बैठा है, और ये जिंदा तो यहाँ का कोई नौकर होना, सेवक होगा, चाकर होगा। इतना सोच ही रहे थे उसी समय जो तख्त पर विराजमान थे प्रभु परमेश्वर सत्य पुरुष रूप में अपने ही दो रूप बना करके वो खड़े हुए, और जिंदा चंवर जिंदा रूप में जो चंवर कर रहे थे नीचे से गया था, उससे चंवर ग्रहण किया और कहा, प्रभु विराजमान हो, अपने आसन को ग्रहण करो, मैं तो आपका अस्थाई नौकर था, कुछ समय के लिए आप मुझे यहाँ छोड़ कर गए थे। और वो चंवर करने लगा, वो तेजोमय शरीर युक्त, और कबीर जी के ऊपर जो जिंदा महात्मा भगवान ओवरऑल कंट्रोलर की सीट पर बैठ गया कुल मालिक के तख्त पर, तो वो पहले बैठा था जो भगवान, वो जिंदा पर चंवर करने लगा। अब नानक जी सोच रहा है, भी कमाल की बात है, भगवान और इस साधु संत पर कैसे, और ये कैसे भगवान वाली सीट पर बैठ गया। इतना सोच ही रहा था तभी वो तेजोमय शरीर कबीर जी जिंदा वाले शरीर में समा गया, और वो चंवर अपने आप प्रभु की शक्ति से चल रहा है। उस समय नानक जी ने सोचा, भाई भगवान यही है, ये तो दो रोल डबल रोल में था। जब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा मैं तेरे लिए भटक रहा था, तेरी जैसी प्यारी आत्माओं को ढूंढ रहा हूं, ये काल का जाल है, इस सारे काल के जाल को समझ कर, उसमें तो नानक जी कति तड़फ गए। कहा, भगवान सचमुच हम तो गलत जगह फंस गए, हमें यहीं रख लो। परमात्मा बोले, ऐसे नहीं रखा जा सकता, आप अपनी सब इच्छा से गए थे, इच्छा रूपी खेलन आया था तो सुख सागर नहीं पाया, सब इच्छा से तू वहां गया है, इसलिए तेरे को यहां प्राप्ति नहीं हो रही, अब वहां जा, काल का ऋण मुक्त हो, सतनाम तुझे मिलेगा वो मैं दूंगा, जब तक तुझे सतनाम प्राप्त नहीं होगी तेरी कमाई यहां ने योग्य नहीं बन पाएगी, और गुरु के बिना मोक्ष नहीं। मैं बनारस में काशी में धानक का काम करता हूं, जुलाहे का, और रामानंद जी मेरे गुरु हैं, और वहां आ जाना। ऐसे 3 दिन बीत गए,
पूरा प्रोसीजर घुमा फिरा के दिखाया और नानक जी जिद करते रहे प्रभु मुझे वापस ना भेजो, बहुत गंदा स्थान है वो। तो परमात्मा ने बताया कि प्यारी आत्मा 60,000 तो तेरे अम्बरीश और राजा जनक जैसे पुण्य ऐसे VIP जन्म हो लिए और फिर भी ज्यों का तू काल के जाल में, और तेरे जैसी पुण्य आत्मा भी अब काल के जाल में है तो और जीव कैसे पार हो सकता है, ये तो मेरी शरण में रहोगे तो पार होगी। तब इतने में 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन उधर से सबने जो जैसे नानक जी ने डुबकी लगाई दरिया में बाहर नहीं आया तो वहां स्नान कर रहे व्यक्तियों ने देखा कि वह नानक जी तो डूब गया। काफी देर तो इंतजार की कि बाहर तो नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया तो डूब गया। मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आध घंटे देख के फिर गांव में भाग लिए, उसकी उनकी बहन जी को बताया, उनके बहनोई जी को बताया। उधर से नवाब तक बात पहुंच गई, नानक जी डूब गए। नवाब ने उस दरिया में डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी बहकर जा रहा था वहां गोताखोर छोड़ दिए, जाल डलवा दिए, 5-5, 10-10 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिला। सभी ने सोच लिया कि नानक जी के ऊपर रेती फिर गई, गारा में उसका शव गड़ गया, अब वो खत्म हो गया। हाहाकार मच गई। तीसरे दिन सुबह सुबह उसी समय जिस समय स्नान कर रहे थे, करने जाते थे और वो अन्य भी स्नान कर रहे थे, उसी कंडे उसी किनारे पर फिर जा करके वहाँ प्रगट हो गए, वहाँ पहुँच गए, क्योंकि वो आत्मा वापस छोड़ दी। शरीर धारण करते ही, शरीर में प्रवेश होते ही यदि परमात्मा अगर वो चारपाई पर लेटे लेटे वहाँ बता रहे होते तो सोपन मान लेते, शरीर खेतों में रखा है, वहाँ देखा मैं यहाँ आया कैसे, फिर वह सारी सच्चाई होगी कि सचमुच मैं सचखंड होकर आया हूँ, वो परमात्मा थी। तो उस समय उनका एक दम भाव बदल गया, ये संसार कति असार लगने लगा। जब दरिया के किनारे वो देखे उन नहाने वालों ने, स्नान करने वालों ने कि नानक आ गया, आज डर गए, भूत भूत भाग गए, कुछ कहने लगे, रह भूत ईसा होया करे, देखा किसी ने भूत, 2-4 डटे, उन्होंने बात की, कहाँ गए थे तुम, कि मैं सचखंड गया था, कौन लेके गया था, कि भगवान आए थे मुझे लेने के लिए। अब वो फिर उनके बहन और बहनोई तक बात गई, राजा तक बात पहुंची, सारा नगर भाग लिया देखने के लिए, घर ले आए। कहने का भाव ये है कि फिर मोदी खाने के अगले दिन नौकरी पर चले गए। नवाब ने पूछा कि कहाँ गए थे नानक जी, उस दिन जाकर के उसने क्या किया कि जाते ही क्यों 2-3 दिन का सबका अकाउंट शेष था, वो सामान देना था, वो कहने लगे हम तक 3 दिन का सामान नहीं मिला, कहने के ले जाओ। अब उनके सामान गिने 1, 2, 3, 13 के आगे गिने को नहीं, 13 यानी सारा लुटा दिया, 13 करके सारा खजाना खाली करके, और ऐसी ही वेशभूषा जैसी जिंदा महात्मा की थी, परमात्मा की थी, ऐसा साधु बना बना के शमशान घाट पर जा बैठा कि भाई आड़े तो बुरा हाल हो गया जीव का, और कैसे पीछा छूटे, और भगवान बनारस में कैसे हो सकता है, यह बात जच्चे को नहीं अगधानक के रूप में। कहने का भाव ये है, ज्यादा लंबा ना करके, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि वो सचखंड वो फिर पहुंचे। उन्होंने पहली उदासी, उदासी का अर्थ होता है कि संसार से मन हट गया, मन कति उदास हो गया, और पहली यात्रा उसने सोचा कि भाई इस प्रकार का ज्ञान यदि कहीं कोई बोल रहा होगा तो वहां वो संत अवश्य होगा, इसलिए रास्ते में जाते समय जहां भी कोई संत मिला उससे चर्चा की कि राम कृष्ण से ऊपर भी कोई भगवान है, सब कहे नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं, तो पंजाबी जो है तो तेरी बुद्धि खराब हो गई है, उससे ऊपर कोई भगवान हो सकता है, जान गए कि ये भी नकली है। ऐसे चलते चलते बनारस पहुंच गए, चले बनारस में पता करूं, अब धानक के रूप में रहे हैं, धानक तो बहुत हो सकते हैं, वहां जो लाए तो बहुत होंगे। फिर उनके याद आया कि उन्होंने कहा कि रामानंद जी एक सुप्रसिद्ध महात्मा है, उनसे उपदेश लिया, दीक्षा लिए, तो नानक जी रामानंद जी के दरबार में आश्रम में गए। उस समय नानक जी श्री रामानंद जी भी को भी परमात्मा ने ऐसे ही अपना साक्षात्कार सतलोक में भी दिखाया था और बालक रूप में वहां नीचे भी था। रामानंद जी उसके बाद वही कहानी कथा सब ने सुनाया करता, और
इस प्रकार वहां रहने वाले नौकर भी इस जैसे यहां छोटे छोटे बच्चे भी इस तत्व ज्ञान से परिचित हैं, वर्तमान के जो दास का ज्ञान सुन रहे, बूढ़े बुजुर्ग भी परिचित हो गए जो कंटिन्यूस दो चार वर्ष से हमारे साथ हैं। तो रामानंद जी के बारे में पूछा नानक जी ने, तो वहां सबने बता दिया कि वो महात्मा वहां रहते हैं आश्रम में। वहां जाकर के रामानंद जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि यहां कोई कबीर नाम का आपका शिष्य है ना, आपका कोई शिष्य है जो यहां कबीर नाम है और धानक का काम करता। परमात्मा ने बता दिया था कि मेरा ये नाम है, वहां पर मैं रहता हूं। अब रामानंद जी ने कहा कि वो मेरा शिष्य नहीं, वैसे तो गुरु है। और राम कबीर नानक साहब ने पूछा कि क्या रामकृष्ण से ऊपर भी कोई भगवान है? रामानंद जी ने कहा कि भाई इनसे ऊपर भगवान मैं भी ना मान्या करता, पर वो भगवान स्वयं ही आया हुआ है, उसी ने मुझे सचखंड दिखाया सतलोक, और वहाँ ऊपर जब देखा तो पता चला है और सत्य है कि रामकृष्ण तो बहुत जो नीचे सतर के राम है वो परमात्मा कोई और है। नानक जी का फिट बात होगी, बात बनेगी, ये है अवश्य, यही ज्ञान चाहिए था मुझे। तो नानक रामानंद जी से कहा कि मुझे उस कबीर जी से मिला दो। रामानंद जी ने एक नौकर, छोटा सा मतलब एक सेवक था उनका, नौकर उसको भेज, यानी नौकर नहीं सेवक यानी भक्त, उसको कहा कि जाओ आज, हाँ परमात्मा ने कह दिया था गुरु रामानंद जी से कि स्वामी जी कल आपका दास नहीं आएगा आश्रम में, क्योंकि मेरा जो कपड़ा बुनने का काम कई दिन का रह गया, प्रभु देर से आऊँगा, श्याम ने दर्शन करूँगा आपके। वो पता था कि वो प्यासी आत्मा आएगी और तड़फ होगी तो इस दानक के कुटिया में भी आवेगी। तो वहाँ जब कहा कि रुक जाओ आप, रामानंद जी ने कहा कि आप ठहरो, श्याम ने यहीं आएंगे। अब कहाँ रुक क्या जा था जिस पर परमात्मा की चाह है। वो कहने लगे मुझे उनके घर बता दो, मैं वहीं चला जाऊँगा। रामानंद जी ने एक सेवक से कहा जा बेटा इस भगत को और परमात्मा से मिला दे, कबीर जी से। अब जब नानक जी उस भगत सेवक के साथ चले, उससे चर्चा करने लगे क्या रामकृष्ण से उत्ते भी कोई रब है, वो भी जैसे हमारे बच्चे भी सृष्टि रचना से जो है ना ओतप्रोत हैं। वो कहने लगे रामकृष्ण तो एक विभाग के, एक विष्णु तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग का सतोगुण का मंत्री है, और इनका पिता काल है, और इससे ऊपर परब्रह्म है, और वो पूर्ण ब्रह्म सतलोक पूर्ण परमात्मा का जो वो सबसे ऊपर का भगवान है, सर्वशक्तिमान है, वही तो काशी माया हुआ है, ये वही भगवान है जहाँ आप जा रहे हो। ओए होए, तब नानक जी कहता है कि उत्तरा गज, मैं तो इस परमात्मा कबीर जी के सेवकों की चरणों की धूल भी को ना, जो मेरा आज तक का ज्ञान था। परमात्मा पुणात्मा जिन भगवान चाहिए, एक चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, जब दाके परमात्मा जानबूझकर उस दिन ये लीला दिखाना चाहते थे, अपना कपड़ा बुन रहे हैं खड्डी में बैठ करके, और वही सकल जो सतलोक में जिंदा वाले रूप में गई थी और तकत में विराजमान हो गए थे और तेजो में शरीर उन्हीं में समा गया था, वही स्वरूप वही सूरत वो मोहनी सूरत वहां बैठी और कपड़ा बुन रही है, और देख कर उस डबल रोल में उस मालिक को नानक जी ने क्या कहा, कहते हैं फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खराब खरा सियाणा बहुता बार, लोगो ये धानक रूप रहा करतौर। और ऊंचे ऊंचे सोर में बोला अख्या में पानी आ गया, ये दानक रूप रहा करता। और अब जुल्हाए लोग कबीर जी ने दानक भगवान कैसे माने, वो तो उनका कुलीक था। ओ तेरा गजब, अड़ो बिजली पड़ रही है, लेकिन लाल की परख जोर ही कर सकता है। नानक जी जोर ही हो गए थे, तब नानक जी की उसकी वार्ता हुई परमात्मा की। परमात्मा बोले प्यारी आत्मा अब तेरी कोई नहीं सुनेगा, ये मान लेना सत मेरी, बाकी आप उपदेश करो। लो और ये सत पहला मंत्र दिया,
और हफ्ता 10 दिन महीने 2 महीने वो वहीं रुके कि मैं तो आपका दास आपके साथ रहूंगा कुछ दिन। तो दूसरा नाम कुछ, क्योंकि प्यारी आत्मा को ऐसी जरूर नहीं कि 4 महीने होने चाहिए, उसको महीने 2 महीने में 10 दिन में जब भी अधिकारी है दूसरा मंत्र दिया जा सकता है। लेकिन अब कलयुग घोर आ गया है और इसलिए हम थोड़ा समय इस प्रथम मंत्र के अभ्यास का आपको देते हैं। और शराबी को अभी घने हो गए, इतने बुराई छूटनी होगी तो छोड़ लेगा ना कुएं पड़ो, तो इसीलिए 4 महीने का समय दिया जाता है कि इसने जो बकवादी होंगे वो रह जाएंगे, जिन्हें भगवान चाहिए वो एकादी नाम तोड़ ताड़ कर सेट हो लेंगे। सतनाम लिए पाछा नाम नहीं टूटना चाहिए, ये अभी तुम घने लेट हो जाओगे। तो कहने का भाव कि दूसरा भी नाम ले लिया सतनाम, ओय होय होय, फिर लाते लाने लगे रट रतरा गजब, ये थे वो मंत्र और ये है वो गुरु। वाहे गुरु सतनाम श्री, वाहे गुरु सतनाम श्री, वाहे गुरु। अब लागे रटना, रत मर गया था, कति बात बिगड़ गई थी, जीवन नष्ट हो गया था। अब नानक जी ने, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, वाह सिखा के गलपड़ी कौन छुटा वेता। अब नानक जी तो वाहे गुरु कहे थे उस कबीर परमात्मा का नजारा सतलोक में देखकर कि वाहे गुरु, वो भगवान या गुरु रूप में आया है। अब वो तो वाहे गुरु कहे भगवान कबीर साहब को। अब सिख धर्म के पवित्र सिख धर्म के लोग के नाम तो वाहे गुरु नाम जपाए, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अब परमात्मा कहते हैं या सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे, ता इसने कुकर छुटवा। मैंने यहाँ भगत आते हैं वो एक कथा सुना देता हूँ जो पवित्र सिख धर्म से संबंधित है। जो समझदार हैं वो कहते हैं जी मारी तो छूटगी, और कोशिश कराएंगे औरों को भी समझाएं, हो सकता उनका भी उद्धार हो जाए। बोलो सतगुरु दे कर जोरू विनती करूं, दरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सोखां। कबीर लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो और यतन कछु नाही। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान।
मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई फेर न लागे डार। पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माई, ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाई। पात झड़नता न्यू कहे सुन भाई तरवर राये, अब के बिछुड़े ना मिले न जाने कहां गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहां की याहे रीति है एक आवे एक जात। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जैसे कोली रेजा बुने और बुनते आवे ओड़े, ऐसे लेखा मौत का तू दौड़ सके तो दौड़े। परमपिता परमात्मा कहते हैं मौत बिसारी बावड़े, अचरज किया कौन, यो तन मट्टी में मिल लेगा जो अट्टे में लोने। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी इस कालजाल में फंसी हुई इन भोली आत्माओं को समझाते हैं। लेकिन हम इतने अनजान हो चुके हैं, हम इस लोक वेद को सुन सुनकर इतने अज्ञानी हो चुके हैं कि हम परमात्मा को पहचानना ही भूल गए। हमारे पास कोई ऐसा पैमाना, ऐसा कोई तुलनात्मक तरीका नहीं रहा था जिससे हम भगवान को पहचान सके। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी ने एक विशेष रजा रखी है कि उन्होंने इस भक्ति को जीवित रखा है। परमात्मा समय समय पर नाना रूप धारकर भिन्न भिन्न वेशभूषा बना करके कहीं ना कहीं तुरंत प्रकट हो जाते हैं और अपना गुप्त लीला करके चले जाते हैं। अब जैसे पुण्यात्माओं सुबह सत्संग में आप सुन रहे थे कि श्री नानक साहेब जी वो पुण्य आत्मा थी जो कभी परमेश्वर कबीर जी के चरणों में किसी युग में ऐसे रही है जैसे आप जी अब उस परमेश्वर की शरण में इस दास के बताए ज्ञान के आधार पर जो प्रभु दत्त ही है उस पर आप तत्परता से लग गए हो। ऐसे लगी हुई आत्मा को परमात्मा फिर छोड़ता नहीं। ठीक है, ये अनजानपने में अपने जीवन जन्म बढ़ा लेता है, ये अपने जन्म बढ़ा लेता है, लेकिन परमात्मा आपके लिए भटकते फिरते रहते हैं। तो ऐसे ही उनके सतयुग में वो सत्सुकृत सतयुग के अंदर यही नानक जी वाली आत्मा राजा अम्बरीश थे, त्रेता में वो जनक जी थे जो सीता जी के पिताजी कहलाए, और द्वापर युग के अंदर वो स्वर्ग या अन्य अपने जीवन योनिया में घूमते रहे अपना कर्म संस्कारों से। उसके बाद कलयुग में
उसी आत्मा का श्री कालूराम मेहता खत्री पश्चिमी पाकिस्तान के घर पुत्र के रूप में जन्म हुआ। उनको फिर परमात्मा मिले, सचखंड दिखाया, सतलोक के दर्शन कराए, वहां अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। तो ऐसे ही हम, वो परमात्मा हमारे पीछे घूमता रहता है, भटकता रहता है और हमें तत्व ज्ञान सुनाता रहता है। तो वो अपनी समय समय पर आकर के अपनी लीला से, अपनी शक्ति से की रक्षा कर जाता है। जैसे एक समय ये द्रौपदी जो है, ये कौन है, ये दुर्गा के लोक से आई हुई आत्मा थी। उससे पहले ये परमात्मा कबीर जी के चरणों में किसी समय रही थी और अपने, जैसे दास ने सुबह बताया था कि आपके इतने पुण्य बन जाएंगे, उसके आधार पर ये शक्ति का मंत्र जाप करके, जो दास आपको देता उन पांच नामों में से दुर्गा का मंत्र जाप करके दुर्गा लोक में चली गई। उसके बाद फिर दुर्गा को श्राप लगा हुआ है, काल ने श्राप दे दिया था कि तू द्वापर युग में उत्पन्न होगी और तेरे पांच पति होंगे। अब दुर्गा ने अपनी सर्वप्रिय आत्मा, सबसे प्रिय आत्मा उस द्रौपदी को द्वापर में जन्म दिया। ये दुर्गा का अवतार मानी जाती है। जैसे श्री कृष्ण रूप में, श्री राम रूप में स्वयं विष्णु आए, श्री परशुराम रूप में, दत्तात्रेय रूप में या व्यास रूप में, आगे ऋषभदेव रूप में, जो अन्य 24 अवतार और 9 अवतार कहे गए हैं, वो विष्णु जी की विशेष प्रिय आत्माएं भेजी गई थी और वो विष्णु अवतार ही माने जाते हैं। परमात्मा पुण्यात्माओं, हम कबीर परमेश्वर जी की के बच्चे हैं, हम उसकी आत्मा हैं। अपने बच्चों का दुख माँ अपने ही माता पिता को होता है, दूसरों को थोड़ी बहुत दया हो सकती है, लेकिन जो दुख जो परेशानी अपने माता पिता को होती है, अन्य को नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। ठीक है, पुण्यात्मा दुख में दुखी थोड़े बहुत हो जाया करते हैं। मालिक को पता था कि द्रौपदी वाली आत्मा दुर्गति को प्राप्त होगी। अपनी प्यारी आत्मा के लिए पहले ही एक ऐसी व्यवस्था कर दी। द्रौपदी जब अपने पिता द्रौपदी के घर पर कुंवारी थी, वो उसके पिताजी ने गंगा के किनारे एक बहुत सुंदर लड़कियों के नहाने के लिए एक घाट बना रखा था और द्रौपदी जी अपनी हजारों सहेलियों को साथ लेकर के प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस घाट पर जाया करती थी। वहां बैठकर कुछ देर भगवान की चिंतन भी करती थी। परमेश्वर को पता था कि द्रौपदी के साथ क्या होने जा रहा है इसके इतिहास में, इसके जीव, इसकी जो है ना जन्म पत्री में, इसके प्रारब्ध में क्या होगा। कहते सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, रणक सिपू जो मार दो मैं नरसिंह धरनो साज। प्रभु ने एक अंधे महात्मा का रूप बनाया, लीला की एक और द्रौपदी स्नान करने के लिए सुबह सुबह
मुंह अंधेरे, स्नान करने के लिए उस घाट की तरफ चली, हजारों सहेलियां उसके साथ थी। उधर से वो महात्मा, अब हम आपको, क्योंकि जो कथा है वो कथा के पात्र के अकॉर्डिंग ही सुनाने से उसका आनंद आता है। एक अंधा महात्मा स्नान करने के लिए घूमता फिरता, रात्रि में गर्मियों के दिन थे, वहां रुक गया। उसको नहीं पता था यहाँ कोई घाट भी है। इतना अवश्य था कि कलकल की आवाज आ रही है और यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इस तरफ दरिया है। इतना आइडिया अंधे को हो जाता है। वो सुबह उठा, उसने स्नान करना चाहा। उस महापुरुष के पास केवल एक लंगोट था पर और कोई कपड़ा उसके पास दूसरा नहीं था। स्नान करने के लिए वो दरिया में प्रवेश कर गया, मल मल कर स्नान कर रहा था। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे हाथ मारते मारते वो उसका जो पर्दे पे उसने कपड़ा बांध रखा था लंगोट, वो उसका नाड़ा टूट गया और वो निकल के शरीर वो बह गया दरिया में और महात्मा निवस्त्र हो गया। अब तो उसने सोचा भी तो दरी, उधर से क्या हुआ कि लड़कियों के आने की आवाज उसके कानों में पड़ गई। लड़कियां आ रही थी, क्यों 1000 लड़कियां आपस में बोल रही हैं, कुछ चर्चा कर रही हैं और रात्रि कुछ सुबह सुबह की आवाज दूर तक जाती है। अब महात्मा जी ने सोचा भैया तो बात बिगड़गी, सुबह हो गया दिखे, लड़कियां इधर आ रही हैं और वो स्नान करने आई होंगी और सबेरा, इसका सिद्ध है कि सबेरा होने वाला है। वो पानी में गहरा चला गया इतना कि मैं नहीं वस्त्र हूं और या तो बात बिगड़गी, यहां आसपास कोई नहाने का दिखा लड़कियों का घाट है। जब लड़कियां वहां पहुंची, द्रौपदी वहां पहुंची तो देखा कि एक साधु स्नान कर रहा है। पुण्यात्माओं जो भक्त आत्मा होती है वो भक्त और संत को देखकर बहुत ही आकर्षित होती है और चाहते हैं कि हम इनसे कुछ परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करें, कुछ चर्चा करें। द्रौपदी परमात्मा की प्यारी आत्मा थी और वो किसी जन्म में प्रभु की बहुत अच्छी भक्ति कर रही थी, लेकिन पैर फिसल गया, रह गई काल के जाल में। अब द्रौपदी ने जब देखा संत को, और फिर संत भी कौन, इतना सुंदर शरीर, इतना अच्छा भाव, यानी एक साधु जैसा लगे, प्यारा सा लगे, जैसे जिसमें एक भावना सी बन जाती है कि बहुत ही अच्छी आत्मा का आदमी दिखे। तो द्रौपदी ने जब देखा कि संत स्नान कर रहा है और सोचा कि संत के साथ अब ये स्नान कर रहा है, हम भी स्नान कर लेती हैं, स्नान करने के बाद साधु से बातचीत करेंगी, भगवान की चर्चा सुनेंगी। ये सोचकर द्रौपदी स्नान करने के लिए वो अपने घाट में प्रवेश कर गई। घाट बना रखा था ऐसे, आगे द्वारे खींच के नीचे से पानी आने का रास्ता बना करके, और वहाँ पैड़ियाँ ला रखी थी, आड़ कर रखी, ओट सीख रखी थी ऐसी द्वारों से। अब द्रौपदी नाली स्नान कर लिया, स्नान करके फिर उसने कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनकर देखा, साड़ी बांध ली, जब उसने देखा महात्मा चला तो नहीं गया, तो वह क्या देखती है कि महात्मा तो न तो स्नान कर रहा है और दरिया से बाहर भी नहीं आ रहा है, क्या बात है। तब उसने बहुत ध्यान पूर्वक देखा तो क्या देखा कि वो स्नान नहीं कर रहा है, कोई वस्तु गुम हो जाती है उसको ढूंढ रहा हो। अब वो ऐसे हाथ मार रहा था, उन्होंने सोचा था
कि कोई कपड़ा बहता हुआ आ जावे इस पानी में और मैं उसको लपेट के चला जाऊं यहां से, अब कैसे निकलूं भगवान। दिन में तो बाहर जा नहीं सकता, रात्रि में निकलूंगा। उधर से द्रौपदी ने विचार किया कि महात्मा तो कोई चीज ढूंढ रहा है इस, फिर उसने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि महात्मा तो नी वस्त्र है। तो उस लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी जो साड़ी पहन रखी थी शरीर पर बांध रखी थी। अब राजा की लड़की कितनी सुंदर साड़ी पहन रही होगी, कितनी कॉस्टली होगी, आप अंदाजा ला सकते हैं। हम अपने बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, उनको बढ़िया ड्रेस सिलवाते हैं। स्वयं चाहे हम अपने फटे पुराने कपड़े पहन के गुजारा करें, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी व्यवस्था में रखते हैं। और वो राजा की लड़की उस इकलौती पुत्री के लिए ना जाने के उस प्यारी पुत्री के लिए राजा ने हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार के वस्त्र और सुंदर कीमती से कीमती बनवा रखे थे। वो इतनी कीमती साड़ी पहने हुई थी, उसने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी मत और ऐसे एक बिनात का कपड़ा अर्थात 9-8 इंच चौड़ा कपड़ा एक पल्ला सा पकड़कर चरदेही कर पूरा पाड़ कर जल में बहा दिया। उसने सोचा था कि आत्मा का हाथ लग जाएगा और यो कपड़ा बांध के बाहर आ जाएगा, फिर हम इनसे बात करेंगे। अब वो कपड़ा मात उस संत से काफी दूर से बहकर चला गया, संत को दिखाई दे ही नहीं रहा था। अब उसको ये भी पता लग गया कि संत तो नेत्रहीन है। उसने 7-8 कपड़े ऐसे टुकड़े पाड़े। अब देखो दो टुकड़े कितने हो गए, 1.5 फुट और फिर 3 फुट, 8 मत 5-6 फुट जो है। छह फुट लगभग साड़ी पाड़ी और बहा दी, लेकिन संत का हाथ नहीं लगी। अब द्रौपदी ने सोचा अब ये शर्म से बात नहीं चलेगी। पहले तो लज्जित हो रही थी, भाई मैं निवस्त्र संत है इसके निकट जाऊंगी तो शर्म लगेगी और महात्मा भी ना शर्मा जा के दे कपड़ा ना ले और अंदर चला जा डूब ना जा, क्यों दरिया का बहाव बहुत ज्यादा है, महात्मा शर्म के मारे तो अंदर गया हुआ है। तो लड़की ने क्या सोचा कि यूं बात नहीं बढ़े, मेरे पिता समान है, और लंबी लाठी ढूंढ कर जंगल में थे लकड़ी बहुत लंबी सी, उसके एक और पाड़ी एक गट एक बिलांत का टुकड़ा साड़ी का और उसका लपेटा देकर ऐसे लंबा कर दिया। धीरे धीरे संत ऐसे हाथ मार रहा था, उसके हाथ के निकट कर दिया और संत का हाथ लगा उन्हें फट पकड़िया। ये भगवान बड़ी दया करी आपने, सौ सौ शुक्र मनाया। फिर उसने देखा, क्योंकि अंधे के हाथ आंखों का काम करा करें, उसने देखा कि भाई ये तो आम कपड़ा को नहीं, ये तो किसी बेटी के साड़ी का कपड़ा है और वैसे भी नहीं है तो बिल्कुल पैमाइश से पाड़कर डाल रखे। अब उसने वो लंगोट बनाया उसका, यानी थोड़ा सा टुकड़ा पाड़कर तागड़ी किया बांधा अपने जहाँ बेल्ट बांध दिया करें, फिर वो लंगोट लपेट कर अन्यों का है बेटी भगवान करत आज तने मेरा पर्दा रखा है, आज तने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखे और परमात्मा तने गणाए दे, असंख कपड़े दे बेटी तने। अब कहते हैं साधु बोला सहज स्वभाव, जो चाहे सो कर दे, 7 वचन पलटे नहीं चे पलट जाओ ब्रह्मंड। अब उन्होंने कपड़ा बांध लिया, द्रौपदी चली गई कि बहुत देर हो चुकी है, घरवाले भी गुस्सा होंगे, चल चलते हैं। अब पुण्यात्मा इसको संत कहते हैं, ये पिछले जो संस्कार हैं वो डटे नहीं डटा करें। जैसे नानक जी
को उनके पूज्य पिताजी ने कहा, बेटा कुछ तो व्यापार बिजनेस कर ले, क्योंकि मेहता खत्री परिवार में जन्म था और वो व्यापार किया करते थे, उनका अपना कोई धंधा कर ले भाई। उसने पैसे दिए तो उन सब पैसों को साधु संतों को खिलाया, उस पर डटे नाग भूखे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे, वही आज तक 3 दिन हो गए भोजन नहीं खाया ढंग से पेट भर के। तो नानक जी ने सुन दिया, कहने लगा बैठो महात्मा जी, आज वो खाना खिलाऊंगा। तो ला कर सारा सामान समून भंडारा दे दिया, उनके कपड़े कुपड़े समा कर उनको तैयार कर दिया। ऐसे ही द्रौपदी, देखो कहते हैं बैराग नाम है त्याग का, ये 5-25 माही, जब लग संसार सर्प है तब लग त्यागी नाही। अब इन 5-25 यानी पांचों काम, क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन्हीं के अंदर आप वैराग करो। लोभ करे तो ये करे, अब देखो द्रौपदी के साथ उसकी नौकरानी भी थी, वो अपनी नौकरानियों को भी कह सकती थी कि बहन साड़ी का टुकड़ा पाड़ के दे दो, और घर जाके उसको 2 साड़ी दे सकती थी। उस नौकरानी को पता था कि मैं 1 साड़ी यहाँ खराब करूंगी तो मेरे लिए 2 साड़ी देगी द्रौपदी, तो वो कह सकती थी उसको, लेकिन नहीं, इतना विवेक होता है भक्त में कि मैं मजदूरी करूंगा तो मुझे मिलेगी और दूसरा करेगा तो उसको मिलेगी। तो ये मजदूरी अपनी कमाई में दूसरे के हाथ क्यों लागण दे, बेईमान ना करे तो यूं करे, लोभ करे तो यूं करे। तो उसने वो मजदूरी उस बांदी दासी नौकरानियों के हाथ नहीं जाने दी, अपनी साड़ी पाड़ कर और संत के सामने फटाफट बहा दी, आगा पीछा नहीं देखा। तो कहते हैं नुक्ते ऊपर रीत जगारे, कोट कर्म जल जा तुम्हारे। ये इन बातों पर परमात्मा प्रसन्न होता है कि ये हृदय से आज इसने दान किया है, और दान सुपात्र को किया हुआ लाभ देता, कुपात्र को नहीं। अपुण्यात्मा दास आपको यही बताना चाहता है कि वो परमात्मा समय समय पर ना जाने के लीला करके, कहा किसी संत रूप में किसी के नाम से अन्य नाम करके रूपांतर करके इस भक्ति को बनाए हुए है। काल चाहता है कि भगवान का नाम निशान मिट जा और कि ये सब नास्तिक हो जाए, गुटी सूटी लाओ, मांस खाओ, बकरे खाओ, जुलम करने लग जा, ये भक्ति योग ना रहे, और योग कर दिया उसने। हिंदू समाज, पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को, अनुयायियों को इसलिए बुरा कहा करते, वो मांस खाते थे। अब हिंदू धर्म के अनुयायी मेरे ख्याल में मुसलमानों से आगे जा रही है। उधर से पवित्र सिख समाज के अंदर शराब मांस तमाखू की तरह नाम मात्र नहीं था, और अब उसमें देखे मांस तो ऐसा हो गया जैसे दाल रोटी होया करे, और शराब जैसे पानी पिया करे। अरे किसी उन 10 महापुरुषों में से 1 का तो नाम गिना दो जिसने ऐसा शराब मांस आदि का प्रयोग किया हो। तो ये काल चाहता है कि ये आत्माएं कति नरक आहारी हो जाए, और फिर इन 84 लाख योनियों में ठोक दूं, ये अपना रोते रहे अपने कर्मों को। और परमात्मा आता है, कोई ऐसी व्यवस्था होती है तो अपनी भक्ति यानी भगवान की समर्थता को बनाए रखने के लिए। बनाए रखने का मतलब है कि हमारे यानी पुण्यात्माओं के अंदर उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, श्रद्धा बनाए रखने के लिए ऐसी लीलाएं कर जाता है, फिर उनके गुणगान काफी वर्षों तक होते रहते हैं। हमने देखा कि किसी गांव में किसी बाबा जी का कोई मंदिर बन रहा है, उसकी कोई यादगार बन रही है, तो उनका 1 या 2 या मर पड़कर 3 चमत्कार याद हो है पूरे गांव में,
और उन चमत्कारों के कारण पूरा गांव उस पर डिवोटेड होता है। और यहां आप देखो उस कबीर परमेश्वर की कृपा से लाखों की संख्या में और उनसे भी अधिक ऐसे सुख इन भक्तों को दे रखे। ये कबीर परमात्मा ही अपने सतीथी को और परमात्मा की आवश्यकता को वो स्वयं ही बनाए रखता है। अब द्रौपदी का ब्याह हो गया, पांचों पांडवों को कुंती ने, पांच उसके पति हो गए। अब देखो हम इतिहास पर डाकृत्य महाभारत का, अब युधिष्ठिर को कहते हैं बड़ा नेक और धर्मात्मा और बड़ा विद्वान बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, और वो जुआ खेला, वो जुआ खेला और जुए के अंदर उसने सारा राज जता दिया, अर्गेला अपनी पत्नी जता दी, रे तेरा गजब हो। आज तक मेरे ख्याल यो इतिहास इतना गंदा इतिहास कितने सुनने को नहीं मिला जो अपनी पत्नी ने जुए में जता दे। और इन इतिहासों को इन महाभारत की कथाओं को हम पट पट कर काख पीटिया करते। अब द्रौपदी जुए में जता दी, दुर्योधन ने जुए में वह जीत ली। अब द्रौपदी ने एक दिन राजा युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनाया था शीशे का, और उसमें दुर्योधन चला गया, उसको आमंत्रित किया, और द्रौपदी पानी लेकर के नीचे से क्योंकि कोई अनुष्ठान कर रहे थे गृह प्रवेश का, वो स्वयं नहा धोकर अपने स्वयं जल ले आई थी तालाब से। तो ज्यों ही वो आकर उधर से दुर्योधन आ रहा था, दुर्योधन को वो शीशे की दीवार दिखी को ना, और उसका टक्कर लग गई उसमें। द्रौपदी हंसी बहुत जोर जोर से। अब उसने तो ऐसे मजाक किया था भाई, जैसे अब देवर समझ गए, और कहा था कि अंधों की संतान अंधी ही होती है, नो कह दिया। अब वो दुर्योधन जल खो रहा था, उसने इस बात का घना दुख मान लिया और मन में सोच लिया कि तुझे दिखाऊंगा कभी दिन में तारे, हम अंधे की संतान कही है तूने। क्योंकि धृतराष्ट्र जी जो दुर्योधन और के पिताजी थे वो जन्म जात अंधे थे, जन्मांध थे। अब उस प्रतिशोध को लेने के लिए दुर्योधन ने जुए की चाल चली और द्रौपदी को जीत लिया। अब जब वो जुए में हार चुका द्रौपदी को भी, उस समय एक नौकरानी दौड़ी दौड़ी आई कि द्रौपदी बात बिगड़ गई और तेरे साथ बड़ा बदसलूक किया जाएगा, सब उसमें भरी सभा के अंदर तुझे नंगा करेंगे, ये उनकी चाल है। दुर्योधन ने कहा कि लाओ उस द्रौपदी को पकड़ के, अब वो हमारी स्त्री होगी और उसको नंगा करो यहाँ सबके सबके समक्ष, और नंगा करके मेरी साथलों पर बैठा दो। इतनी कृतघ्नता पर आ गया वो दुष्ट आत्मा। और उस सभा में कौन कौन विराजमान थे, तो वो वहां पर विषम पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा, विदुर और पांचों ये महाबली पांडव, और 101 ये कौरव, उनका मामा सुकनी, और बहुत से राज दरबारी। अब द्रौपदी ने कहा उस नौकरानी से कि क्या क्या कह रही है तू पागल, उस सभा में कौन कौन है। उसने सारे बता दिए, फिर कैसे नंगा कर देंगे मुझे, विषम पितामह जैसे बैठे, द्रोणाचार्य गुरुदेव बैठे, और कर्ण जी योद्धा बैठे, चाचा विदुर वहीं पर है, ये भी हो सकता है बावड़ी कहीं की। इतने में दुशासन पहुंच गया और पकड़ कर उसके बाल और घसीट के ले आया, और वहां कहा दूसरा दुर्योधन ने कि इसका नंगी कर और बैठा दे मेरी सांथलों पर, जांग पर, हम तो अंधे हैं, हम क्या देख थोड़े सकते हैं, इसको शर्म थोड़ी आएगी।
अब द्रौपदी ने पहले तो देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ, जैसे ऐसे देखा कि आप, उन्होंने देखा कि भी धमका देंगे इनको, और सत्कर मानना, यदि भीष्म पितामह खड़ा होकर कह देता दुर्योधन को खबरदार इस लड़की का हाथ लगाया, दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी, वो इतना सूरवीर थे, या द्रोणाचार्य कह देता वो भी इतने सूरवीर थे, या कर्ण कह देता, लेकिन उस दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर उनकी आत्मा दूषित हो चुकी थी, उनके मुख से कुछ भी नहीं निकला और देखते रहे, कुछ नहीं कहा, तू के कर रहा नालायक, ऐसा जुल्म। फिर उसने देखा कि ये तो नहीं बोले, फिर अपने पांचों पांडवों की तरफ देखा कि ये तो सहन नहीं करेंगे, बक्कल तार देंगे इनका। अब वो हार चुके थे, बंद चुके थे अपने जबान से, कर्म से। जब उन पांचों पांडवों अपने पतियों की तरफ देखा तो उन्होंने नीचे गर्दन कर लिए, और दुर्योधन साड़ी पकड़ चुका था। उस समय केवल एक पुण्यात्मा खड़ी हुई, विदुर जी खड़े हुए, वो भक्त भक्त बीज थे। उन्होंने खड़ा होकर कहा, विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कह कुल एक कह परवारा। विदुर बोले नाला को, तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो, अपने ही वधु की, अपने ही कुल की को नंगा कर रहे हो, इनकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम एक ही कुल के आदमी, चाचे ताऊ गणी दूर नहीं हुआ करते। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कह कुल एक कह परिवारा। जब इतनी बात कही ना विदुर ने, तो दूसरा सबने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और कहने लगा, विदुर के मुख लगा थपेड़ा, बोला तू तो है पांडवों का चमचा। विदुर ने उस दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और कहने लगा, तू तो इनका चमचा है, तू तो बांदी का जाया हुआ है, यानी उसको एक बहुत ज्यादा जलील किया। अब पुण्यात्माओं एक लक्षण होते हैं भक्तात्मा के, न्यायकारी के, पंचायत में अगर उसकी नहीं चल रहा तो उठकर चला जाना चाहिए। जब विदुर की बेइज्जती कर दी, थप्पड़ मार दिया और कहा कि देखा कि तेरी बात नहीं चलेगी, उठकर चला गया, और बाकी वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे वहीं बैठे रहे। उनके अंदर कितना गंध होगा कि लड़की को नंगी करेंगे देखेंगे, और ऊपर से ब्रह्मचारी बने बैठे, खड़ा हो जा चला जाना चाहिए था, या उनका घुट मारो घेर के, खबरदार जो लड़की का हाथ, ऐसा जुल्म कहीं देखा कि सभा में औरत को नंगा करा जा, और इस इतिहास को हम पढ़ा करते, और इसे मोटे महाभारत ने ठाए फिरा करते थे। ये चरित्र थे इन काल के दबाव में आकर ये सब ऐसे जुल्म सहन करते रहे। उस समय जब द्रौपदी ने देखा को तेरा गजब हुई हो, या तो कोई भी कौन तेरा पुण्यात्मा हो, जब तक हम संसारिक लोगों का सहारा चाहते हैं प्रभु दूर रहता है, अकेले ले ले इनका सहारा कितना लेगा, और जब हम संसार से हार लेते हैं तब हम भगवान लास्ट में मालिक याद आवे, हमने पहले करना चाहिए उसको याद। जब द्रौपदी ने पीछे याद किया, और कहते हैं आत्मा रोती है, मन तो पता ना के क्यों मांगे, मन की नहीं सुनता कबीर परमेश्वर, उसकी आत्मा से संबंध है, जब आत्मा रोई उसकी, हे भगवान आज तेरे बिना मेरा कोई को नहीं। और श्री कृष्ण जो है उस समय उनका गुरु था पांडवों का, द्रौपदी भी उसकी शिष्या थी। अब ये क्या होता है, आपने पढ़ा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में, दो पुरुष, दो भगवान, सर पुरुष अक्षर पुरुष, और ये नाशवान है, इनके लोकों में प्राणी भी नाशवान, सतुल शरीर नाशवान, और इनका भी इनके नीचे प्राणियों का अंतर्गत, और
15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो कोई और ही है जिसे भगवान कहा जाता है, इन दोनों से, ब्रह्म और छरपुर, ब्रह्म से और परब्रह्म से कोई और ही भगवान है और अन्य। और ये लोक तर्यम आविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब वही परमात्मा कैसे करता है, जैसे आपने देखा कि गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 में यज्ञों का वर्णन बताया, और उस यज्ञ में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म जो पूर्ण परमात्मा है उसको यज्ञ में प्रतिष्ठित करके यदि हम साधना करेंगे, उसको इष्ट मानकर करेंगे, तो उसके हमारे शास्त्र अनुकूल शुभ कर्म बनते हैं। जैसे हम मूल एक उल्टा लटका ये संसार रूप भक्ति रूपी पौधा बीजेंगे, तो हम किसको, हम जड़ की पूजा करेंगे। जैसे हम ये भक्ति रूपी पौधा लाए, ये भक्ति रूपी पौधा हम लाए और इसको हमने ऐसे जमीन में जड़ मिट्टी में डाल दी, गमले में या मिट्टी में पृथ्वी में, और जड़ की पूजा की, यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति की, तो यहाँ से शुभ संस्कार बन के ये खुराक बन के तना में गई, यानी ये अक्षर पुरुष है परब्रह्म, और तना से फिर ये डार, ये ब्रह्म है अक्षर पुरुष, और डार से फिर तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी में पहुंची, और फिर ये आगे हमें फल मिला। अब ये समझना, हम क्या करते हैं, हम उल्टा कर रहे थे, हम ऐसा ऐसी साधना कर रहे हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की तो पूजा कर रहे हैं और मूल को छोड़ दिया।